Hi guys, welcome back to Super Quick Revision. We are starting away with the concept of Pareto analysis. Pareto analysis gives you 80-20 rule. Most of the big people, most of the CEOs, most of the best businessmen in this world, they always follow 80-20 rule. Unka time bahut important hai, to unko apna time aisi cheezon ki taraf hi dalna chahiye which gives them higher returns, matters which are more important. Okay. तो बेसिकली कंसेप्ट आया मिस्टर अल्फ्रेड परेटो हु मेड दिस एंटायर थियरी. उस बंदे ने क्या बोला और उस बंदे का जो विजुअल था कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ. उसको एक दिन रियलाइज हुआ 80% ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ इज ओनली देयर विद 20% ऑफ द पीपल. उसने ये वाले कंसेप्ट के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया. उसको पता चल गया यार दिस इज ट्रू इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑल्सो. तो उसने अपना ये वाला जो एनालिसिस का उसको 80-20 रूल बोला. और उसने क्या बोला 80% ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली कॉन्स्टिट्यूट 20% इन टर्म्स ऑफ नंबर. तो ये 20% बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल एप्पल का 80% रेवेन्यू उसके सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स मतलब आईफोन और आईपैड से ही आता है. दैट इज 80-20 रूल. मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट 80% कम्स ओनली फ्रॉम 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो फॉर एप्पल दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी वैल्यूएबल. इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो. तो ये प्रोडक्ट्स का सब कुछ टिम कुक ही डिसाइड करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके एग्जाम्पल अगर आप मारुति कंपनी का बात करो उनका आज भी बहुत सारा जो रेवेन्यू है ऑल्टो और स्विफ्ट से ही आता है. फॉर देम दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कार्स. दे कैन नॉट ट्राई टू लूज द मार्केट ओवर हियर. तो एक रूल आया ऑफ 80-20 और परेटो ने क्या बोला आई विल अप्लाई दिस काइंड ऑफ रूल टू फाइव क्राइटेरियाज. विच फाइव क्राइटेरियाज 80% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी और 80% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द एंटायर कंपनी कम्स ओनली फ्रॉम 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो दीज प्रोडक्ट्स शुड बी गिवन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. फर्स्ट सेकेंड 80% ऑफ द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट विल ओनली कम फ्रॉम 20% ऑफ योर कस्टमर्स. दीज कस्टमर्स आर वेरी वैल्यूएबल टू यू. इनका ध्यान रखने का. इन द क्लास आई हैव टोल्ड दिस पर्टिकुलर थिंग. बैंक्स फॉलो दिस कंसेप्ट अ लॉट. जो भी उनके टॉप 80% कस्टमर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू दोज आर वेरी फ्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर बट दे गिव वेरी हाई बिजनेस. वो लोग उनको बहुत सारा सर्विसेज वो देते हैं जो रेगुलर कस्टमर्स को नहीं देते. 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल स्टॉक्स इज ओनली हेल्ड बाई 20% ऑफ द स्टॉक्स. दीज स्टॉक्स आर वेरी वैल्यूएबल. इनका कंट्रोल अच्छे तरीके से करने का. ये तुमको CA इंटर के अंदर भी था ABC सिस्टम. ठीक है आगे एप्लीकेशन इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 80% ऑफ ऑल योर कॉस्ट विल बी एक्चुअली इनकर्ड बाई 20% ऑफ योर एक्टिविटीज. क्वालिटी कंट्रोल 80% ऑफ एनी फॉल्ट इन अ प्रोडक्ट विल बी बिकॉज ऑफ 20% ऑफ द रीजन्स. तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो 20% रीजन्स हैं इनको बराबर से देखो और ये वाले रीजन्स रिमूव करना स्टार्ट करो. ये 20% रीजन्स निकाल दोगे 80% डिफेक्ट्स खुद ब खुद निकल जाएंगे. ओके तुमको एग्जाम्स के अंदर मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं दोज आर ऑफ दिस दिस एंड दिस क्योंकि ये CA इंटर के अंदर आ चुका है. ओके वेयर बाई दोज गाइस माइट आस्क यू ये बताओ विच प्रोडक्ट्स आर इंपॉर्टेंट. तो क्या करने का दिस इज ऑल अबाउट विच थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट विच ऑक्यूपाई ह्यूज चंक फॉर अस. तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए मैंने एक यहाँ पे चीज़ भी लिखा हुआ है. वन रूल कन्वर्ट द डेटा इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर. एग्जांपल उन लोगों ने पता किया सपोज एक कंपनी फ़ोन्स बनाता है उन लोगों ने पता किया कि यार फोन्स रिपेयरिंग के लिए बहुत आते हैं. वो लोगों ने रीजंस नोट डाउन करना स्टार्ट किया. पता चला कि 700 टाइम्स इसलिए फ़ोन फॉल्टी होता है क्योंकि मदरबोर्ड उड़ जाता है. 50 टाइम्स इसलिए फॉल्टी होता है क्योंकि ये हो जाता है. 40 टाइम्स वो इसलिए क्योंकि ये. तो ये सब चीज़ों को आप डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करो और टॉप 80% रीजंस देख लो. दैट इज़ योर पारेटो एनालिसिस. वो रीजंस निकालने का ट्राई करो. ट्राई टू टेल योर फैक्ट्री ये वाली चीज़ें ठीक करो. मदरबोर्ड नहीं उड़ना चाहिए. बेटर क्वालिटी मटेरियल यूज़ करो. दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन मेकिंग योर बिजनेस स्लाइटली बेटर. सेम थिंग्स आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट 80% रेवेन्यू 80% प्रॉफिट. उसके लिए आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा. अपने पास 100 टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं. आई वॉन्ट टू बी नोइंग कौन से कस्टमर को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ. ऐसे सम्स हम लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर भी कर रखे हैं.
अपने पास कस्टमर्स थे, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स एसेट्रा, जरा एक बार चेक कर लेना. तो यू हैव टू बी नोइंग विच कस्टमर शुड बी गिवन गुड इंपॉर्टेंस. ट्राई टू अरेंज द रेवेन्यू फ्रॉम देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको पता चल जाएगा विच कस्टमर्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, एग्जाम्पल फॉर अस ऑल्सो, 80% ऑफ द रेवेन्यू फॉर अस कम्स फ्रॉम सी ए फाइनल. ओके, सो देयरफॉर दैट इज आर पारेटो एनालिसिस. वी गिव सी ए फाइनल लॉट इंपॉर्टेंस. ओके, सो दैट इज समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज वेयर योर कमेंट्स विल कम. कमेंट्स के ना यू जस्ट हैव टू बी सेइंग दैट दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, डिवोट योर टाइम. अगर किधर कुछ बुरा था, ट्राई टू से कि इस चीज़ को ठीक करो. एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन के ना, ये वाला डिफेक्ट वॉज अ टॉप रीज़न कि डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, तो ये वाले रीज़न को ठीक करो. ओके, सो क्वेश्चंस उसी टाइप के आ सकते हैं, और ज़्यादा कोई टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे. तो जब भी क्वेश्चंस वो पूछेंगे, मेनली दोज गाइज विल आस्क यू हियर हियर एंड हियर. ओके, विच प्रोडक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, विच कस्टमर्स आर इम्पॉर्टेंट, कौन से फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. डू रिमेंबर चीज़ों को डिसेंडिंग ऑर्डर के ना कन्वर्ट करना, उसके बाद आगे सॉल्व करना. ओके, थैंक यू. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. दिस वॉज क्वाइट अ स्मॉल वन आई थिंक. ओके, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.